नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपको नॉर्थ वेस्ट फेसिंग यानी वायव्यमुखी दुकान के बारे में बताना चाहूँगा। आपकी अपनी दुकान वायव्यमुखी है या आप अपने मार्केट के अंदर कोई नई दुकान परचेज कर रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं और वो वायव्यमुखी है, तो आपको अपने बाहर यानी दुकान के जो बाहर का एरिया है वहाँ का वास्तु कैसे सही करना चाहिए। मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। जो बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप अपने यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपका काम पहले दिन से ही अच्छा होता चला जाएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई है जिसमें रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है और इंडस्ट्रियल भी है। आप मेरी वो सभी वीडियो भी देख कर अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आज जो मैं बताने जा रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्यमुखी, आपने अपने यहाँ पर क्या काम करना है। सबसे पहले तो ये देखें, नोटिस करें, जो आपका अपना बाहर का एरिया है, जो रोड का लेवल है, वो हमेशा ही स्मूथ होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। आप दुकान परचेज कर रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं तो रोड के लेवल से दुकान हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए, ये बात आपने खास तौर पर ध्यान रखनी है। यदि रोड के लेवल से आपकी दुकान नीची रह जाती है तो उस दुकान में काम धीरे धीरे करके स्लो होता चला जाता है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि दुकान में काम नहीं होता। आप नोटिस कीजिएगा, मार्केट में अपनी मार्केट के अंदर दुकानों को देखिएगा, जो दुकान रोड के लेवल से नीचे है वहाँ पर सेल कैसी है, उनका वर्क कैसा है, तो आपको सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, जो आपकी अपनी दुकान है, चाहे आप परचेज कर रहे हैं या किराए पे है या आप पहले से ही काम कर रहे हैं, अपनी दुकान के अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें दुकान का लेवल रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए, बाहर का एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके यहाँ कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक पोल है या सूखा पेड़ लगा हुआ है तो उसके लिए आपने क्या रेमेडी करनी है, क्या उपाय करना है। यदि आपके यहाँ नॉर्थ कॉर्नर में आपके यहाँ पेड़ लगा हुआ है तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, पेड़ के चारों तरफ कभी भी कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देना है, उसे हमेशा ही नीट एंड क्लीन करना है। इसी के साथ यदि सूखा पेड़ है तो आपने सूखे पेड़ के साथ एक बेल लगानी है और वो बेल सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ानी है और पेड़ के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे जरूर लगाने हैं। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल यानी नॉर्थ में इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोल वास्तुशास्त्र में ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपने क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर आपने ब्लू कलर का पेंट करवाना है, ऐसा करने से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे। यदि नॉर्थ कॉर्नर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और आप इस दुकान को परचेज करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस दुकान को परचेज ना करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर आने से आपकी दुकान में वर्किंग अच्छी नहीं होगी, हमेशा ही कुछ ना कुछ समस्याएं आपके जीवन में बनी रहेगी, आप काम भी करेंगे और हद से ज़्यादा दुखी भी रहेंगे। साल में एक दो तीन चार पार्टियां ऐसी होंगी जो आपके माल की पूंजी को वापस नहीं करेगी, उसी से जो प्रॉफिट आपको पूरे साल में मिलना है वो प्रॉफिट वो दो चार पाँच पार्टियाँ खा जाती है, तो आप वहीं की वहीं उसी स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान भी लगने के कारण बनते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा, यदि आप कोई दुकान परचेज करने जा रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं तो नॉर्थ कॉर्नर में ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए। यदि आपके यहाँ वेस्ट कॉर्नर में इस कॉर्नर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो एक टाइम को आप इस दुकान के बारे में विचार कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के चारों तरफ जाली लगी हुई है या पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो पोल के ऊपर आप व्हाइट कलर का पेंट कराएंगे या ग्रे कलर का पेंट कराएंगे तो भी आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, आपका काम स्मूथली चलता रहेगा। ट्रांसफार्मर किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ जो शटर है, शटर के ऊपर जो पेंट होना चाहिए ग्रे कलर या ब्लू कलर का पेंट होना चाहिए, यहाँ पर आप व्हाइट कलर का पेंट भी कराना चाहे तो व्हाइट कलर का पेंट भी करवा सकते हैं। शटर आपका हमेशा ही इस तरीके से खुले जो कि बिल्कुल स्मूथ हो, खुलते हुए भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बंद करते हुए भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि शटर इतना लूज होता है कि जब हम उसको डाउन करते हैं तो वो सीधा फर्श पर आकर लगता है, ऐसा होने से भी आपका काम अच्छा नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी शटर को आप बंद करें या ओपन करें तो शटर में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आराम से शटर खोलना चाहिए और आराम से ही शटर को बंद करना चाहिए। आज मैंने जो बातें आपको बताई है
आप इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। आपने अपने यहाँ पर फ्रंट में बोर्ड लगाना है, तो बोर्ड के अंदर जो कलर आने चाहिए वो वाइट कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, इन कलर का ही बोर्ड आपका बनना चाहिए। इन सभी कलर को मिक्स करके या इनमें से कुछ कलर सिलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपना मेन बोर्ड फ्रंट में नॉर्थ फेस्ट जोन में लगा सकते। ऐसा करने से भी आपका काम हमेशा अच्छा चलता रहेगा। मैंने आज जो आपको अपनी इस वीडियो में जानकारी दी है, अब मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपका काम स्लो चल रहा है या आप अपनी नई दुकान लेने जा रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो जो बातें मैंने आपको बताई है इन बातों पर एक बार विचार जरूर, एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आप ऐसी जगह में बैठ के काम कर रहे हैं तो मैंने जो आपको बताया है कि फ्रंट के भाग का वास्तु कैसे सही करना है, उस हिसाब से आप अपने यहाँ का वास्तु सही करेंगे तो आपका काम अच्छा होता चला जाएगा। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर और वीडियो भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। और आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने नई कोई भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक भी होगी और आपकी बिल्डिंग समय पर पूरी भी हो जाएगी, क्योंकि हमारी इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं कि आप अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपकी बिल्डिंग समय पर पूरी हो जाए और बिना परेशानी के पूरी हो जाए। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त भी किए और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा अपने पिताजी के साथ रहकर प्रैक्टिकल सीखा है और साथ में लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसे पढ़कर सीखा है। मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 24 साल हो गए हैं और मेरा अपना जो 24 सालों का अनुभव है वो अनुभव मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।